हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है प्रयोगवाद। इसके बारे में हम लोग जानेंगे और इससे जुड़ी जो तार सप्तक जिससे अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं इनके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो प्रयोगवाद क्या है? तो प्रयोगवाद जिसे नाम से ही प्रयुक्त होता है कि प्रयोग शब्द यानी जो प्रयोग शब्द जो उपयोग किया गया है वो किसके लिए किया गया है, तो जीवन के सत्य को पाने की बेचैनी का द्योतक माना गया है, ठीक है, इसी के लिए प्रयोग किया गया है। प्रयोगवाद को और थोड़े स्पष्ट रूप से समझने की प्रयास अगर करते हैं तो हमें पता चलता है कि यह जो है क्या है, व्यक्तित्ववाद का आधार माना गया है। क्या? व्यक्तित्ववाद का आधार माना गया है और इसे आधुनिकतावाद का आरंभ भी माना जाता है। इसे क्या? आधुनिकतावाद का आरंभ भी माना जाता है। कहा जाता है कि आधुनिकतावाद का जो आरंभ हुआ था वो प्रयोगवाद से ही हुआ था। तो इसके प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक है सचिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञेय जी। कौन है? सचिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञेय जी। प्रयोगवाद का प्रारंभ सन 1943 ईस्वी में अज्ञेय के संपादन काल में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। किससे माना जाता है? तार सप्तक से माना जाता है। अज्ञेय के संपादन काल में चार सप्तक प्रकाशित हुए थे। कितने? चार सप्तक प्रकाशित हुए थे। तो देख लेते हैं, तो पहला है तार सप्तक, ठीक है, सन 1943 ईस्वी में। दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी में। तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी में और चौथा सप्तक 1979 ईस्वी में। इसका क्रम बिल्कुल आप ध्यान में रखेंगे, याद कर लेंगे, क्योंकि ये पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए, जितने भी ये तार सप्तक थे ना, पहला सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, तो सभी सप्तक में सात कवियों को शामिल किया गया था। कितने? सभी सप्तक में सात कवि शामिल थे और सभी में जो सात कवि शामिल थे बिल्कुल अलग थे। किसी में भी ऐसा नहीं कि इसका नाम इसमें, इसका नाम इसमें जुड़ गया है। सभी में सात सप्तक जो थे यानी सात कवियों का जो विवरण हमें मिलता है वो अलग अलग मिलता है। तो आइए जानते हैं कौन कौन थे। तो तार सप्तक में कौन कौन थे शामिल? तो तार सप्तक में थे सबसे पहले सचिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञेय जी, ठीक है, और इसका भी आप याद रखेंगे। क्रम के हिसाब से अगर प्रश्न पूछा जाता है तो ऐसे ही पूछा जाता है कि तार सप्तक के कवियों को क्रम के अनुसार सजाएं, ठीक है। तो तार सप्तक सचिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञेय जी 1911, उसके बाद है रामविलास शर्मा 1912, मुक्तिबोध 1917, प्रभाकर माचवे बलवंत 1917 और नेमी चंद्र जैन 1918, गिरजा कुमार माथुर 1918, भरत भूषण अग्रवाल 1919। तो हमने देखा कि तार सप्तक में कौन कौन है। तो तार सप्तक में है सचिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञेय जी हैं, दूसरे हैं रामविलास शर्मा, तीसरे हैं मुक्तिबोध, चौथे हैं प्रभाकर, पांचवें बलवंत और पांचवें हैं कौन? नेमी चंद्र जैन और छठे हैं गिरजा कुमार माथुर और सातवें हैं भरत भूषण अग्रवाल जी। दूसरे सप्तक में देख लेते हैं कौन कौन से कवि थे। दूसरे सप्तक में थे शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, हरि नारायण घनश्याम व्यास, नरेश मेहता और कौन थे? और थे धर्मवीर भारती, ठीक है, धर्मवीर भारती और रघुवीर सहाय। तीसरे सप्तक में देख रहे थे कौन कौन से कवि थे। तो तीसरे सप्तक में थे प्रताप नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजयदेव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह और प्रीति चौधरी, ठीक है। चौथे सप्तक में देख लेते कौन कौन से कवि थे। तो चौथे सप्तक में थे अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा और राजेंद्र किशोर, ठीक है। सभी सप्तक में कितने कवि शामिल थे? तो सभी सप्तक में सात कवि शामिल थे, ठीक है, और सातों कवि बिल्कुल अलग अलग थे। अब जान लेते हैं इनसे संबंधित क्या महत्वपूर्ण तथ्य है। तो प्रयोगवाद को सर्वप्रथम यानी प्रयोगवाद का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया गया था, प्रयोगवाद नाम का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया गया था नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा किया गया था। सचिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिकाओं में प्रयोगवादी कविताओं को राहों का अन्वेषी कहा है। क्या कहा है? राहों का अन्वेषी कहा है। ये प्रश्न पूछा जाता है, ये दोनों। उसके बाद व्यक्तित्ववाद प्रयोगवाद का मूल आधार माना गया है, ठीक है, व्यक्तित्ववाद को प्रयोगवाद का मूल आधार माना गया है। और आधुनिकतावाद का आरंभ प्रयोगवाद से ही होता है। किससे होता है? प्रयोगवाद से ही होता है। तो ये थे प्रयोगवाद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और इसी भी हमने जाना तार सप्तक के बारे में, क्योंकि प्रयोगवाद और तार सप्तक दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है ये टॉपिक आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। पसंद आया होगा लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।